तरह मैंने लड़की पढ़ाई वैसे तू पढ़ा? लड़की तूने कैसे पढ़ाई? देख हा? मैं घोड़े पे बैठा, लड़की को उठाया, चुम्मी ली, बस पट गई। एक तो तू घोड़े पे बैठ गया, ऊपर से तूने लड़की उठा ली, ऊपर से तूने चुम्मी ले ली। चुम्मा लेके रहूंगा। अरे उतारो मुझे। अरे यार ये पुलिस कहाँ से आ गई? इतनी मेहनत से घोड़ा लेकर आया था, सिर्फ चुम्मा बाकी रह गया था। शट अप, गिरफ्तार कर लीजिए। ओके, टेक दिस घोड़ा। स्टूपिड बेवकूफ। और ये काम करते हैं, आप लोग जीप में चलिए, मैं घोड़े पे आता हूँ। बिहेव योरसेल्फ मैन। कहाँ है मेरा दामाद? कहाँ है? एक्सक्यूज मी, मेरा दामाद कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। घबराओ नहीं बेटा, अब मैं आ गया। इंस्पेक्टर साहब, मेरे दामाद को बाहर निकालिए ना। कांस्टेबल, बाहर निकालो इसे। संतोष जी, अच्छा हो गया आप आ गई। भाई इंस्पेक्टर साहब, हम तो आज बहुत शर्मिंदा हो गए। हमारे दामाद पहली बार आज गोवा आए और आते बेचारे सलाखों के पीछे हो गए। हाँ क्या करे गुलजारी लाल जी, इसने हरकत ही ऐसी की थी कि हमें मजबूरन इसे अंदर करना पड़ा। इंस्पेक्टर साहब, ऐसी हरकत इसी जवानी की उम्र में की जाती है, आपकी और हमारी उम्र में तो नहीं। मेरा मतलब एक बात कर रहा हूँ, लाइए मैं जमानत के कागज पर साइन करने को राजी हूँ। अच्छा एक बात तो बताओ कि तुमने मुझे पहचाना कैसे? अरे क्या बात करती है संतोष जी, चाचा जी हमेशा अभी के बारे में तो फोन पे बोलते रहते थे कि संतोष जी ऐसी है, संतोष जी वैसी है, संतोष जी ऐसी है, पता नहीं कैसी है। अरे सारी बातें यहाँ ही करोगे कि घर भी जाओगे? चलो ना। चाचा जी इस छोटे से घर में रह रहे हैं? तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए मोटरसाइकिल से जाना पड़ता है। अरे लगता है चाचा जी ने आपको सब कुछ बता दिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुनिए इस लड़की को बाहर निकालिए प्लीज। थोड़ा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। जस्ट मिनट। ये मेरी बेटी है रितु। रितु बेटा नमस्ते करो। नमस्ते। एक मिनट भी नहीं रुकना मुझे आपके घर। सुनो क्यों नहीं रुकना? अरे यही तो वो लड़की है जिसने मुझे जेल भिजवा दिया था। गुंडे को जेल में भिजवाया जाता है, घर में नहीं बुलवाया जाता। बाय द वे अरे लाल जी, शी इज कॉलिंग मी गुंडा। आप इस नक्चरी लड़की को तमीज से बात करने के लिए बोल रहे हैं? मेरे ही घर में आके मुझे ही गाली दे रहे हो। बाहर चलो, तुमको बाहर चलो। बड़ा गुंडा। अरे जाए, तेरा होने वाला पति सोनू का छोटा भाई मोनू। मोनू करोड़पति। करोड़पति हो या अरबपति, लेकिन मेरा पति कभी नहीं हो। हमको भी आप नहीं चाहिए। मोनू मेरा भाई। सोनू संतोष उठाकर लाए हो इसे। अरे मुझे क्या पता, चुप कर मेरी माँ। सोनू मोनू सबको पता चल गया। नहीं अगर उन्होंने चाचा को बुला लिया तो हम लोग फंस जाएंगे। तो चल चाचा के पास। कहाँ? गेस्ट हाउस में। चल चलते। तुमको कैसे पता चला चाचा गेस्ट हाउस में आई? तो किस गेस्ट हाउस में? तो बाथरूम में रहेगा। क्या बात करता है पागल आदमी। मेरे को डाउट है उस साहब जी। सुनो आपको होशियार रहना पड़ेगा, उनका जेम्स बॉन्ड की औलाद लगता है। हाँ जी हाँ। कहाँ छुपा? आप लोग यहीं रुक जाइए, मैं चाचा जी से अकेले में बात करना चाहता हूँ। चाचा जी पैरी पौड़ा। जिंदा रे पुत्र आ गया। और खुशी की गल ये है कि आज मैंने तेरी शादी है ना वो रितु के नाल तय की है। रितु आप जानते हैं कैसी लड़की है वो चाचा जी? अरे उसने तो अंदर करवा दिया था मुझे, अभी तो जल्द से छूट के आ रहा हूं मैं। ओए ना पुत्र ना, ऐसा नहीं कहते। ओ इश्क में ना वो बड़े नसीब वाले होते हैं ना, वो अंदर होते हैं। और ये ना भूल कि उसके पिता गुलजारी लाल को मैंने जबान दी है। जबान ही तो खराब है उसकी चाचा जी, और उसके साथ शादी करके आप मेरी जिंदगी खराब कर देना चाहते हैं। पुत्र चाचा जी, ओ पुत्र चाचा जी, ओ पुत्र ना 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 ना। अरे यार तुम्हारा भाई बड़ा घमंडी है, इतने नखरे किस बात के दिखाता है? अगर वो पैसा वाला आई तो हमारा सिट क्या भिखारी दिखती है। आप घबराइए मत ना अंकल, वो चाचा की बात मानेगा, मुन्नू शादी के लिए हाँ ही करेगा। देखते हाँ। चुप बदतमीज, अगर तूने शादी नहीं की ना तो मैं तुझे जायदाद से बेदखल कर दूंगा। जब देखो जायदाद की धमकी देते रहते हैं, ये मेरी जिंदगी का सवाल है चाचा जी, मुझे सोचने दीजिए। या
हट जाओ मेरे रास्ते से, हट जाओ। Don't hit him, man. Yeah. James Bond. Come, brother. Let us change, man. Let us change. Take out this. साहब जी बहुत गड़बड़ हो गया। वो चाचा का पैर लग गए, भतीजे का पैर लग गए, अलग अलग पैर में एक ही जूता है। जूता? हाँ, माने चाचा और भतीजे एक ही है, अंदर कोई नहीं है। और अगर कोई अंदर हुआ तो जूता उठा के तेरे मुंह पे मारूंगा। वो मार लेना, पहले अंदर जाके देखो। चलो। ओ ना गुजारी लाल जी ना, मोनू बड़ा जरूर हो गया लेकिन इतना बड़ा नहीं हुआ कि मेरा कहा टुकड़ा दे। मेरे ख्याल से वो शादी के लिए जरूर मान जाएगा। मोनू तो मान जाएगा मगर ये जान से जाएगा। तो कुछ आवाज सी आई है। वो खेल रहे थे जी। भगवान बचा ले। ए मोनू, अगर वो घोड़े वाला आइडिया नहीं चला ना, देख मैं तुझे एक दूसरा आइडिया देता हूँ। तू आइडिया मत देना यार, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ। तेरा घोड़ा बहुत भारी पड़ा था, मुझे भी कुछ सोचने दे प्लीज। अरे तेरी सोच उतनी है ना यार। नहीं, नहीं, वही चिट्ठी वही लेटर। हाँ चिट्ठी, चिट्ठी चली है मुगले आजम से लेकर मैंने प्यार किया तक, और मैं चिट्ठी लिखूंगा, और मैं चिट्ठी में ऋतु को लिखूंगा कि ऋतु मैं तुझसे प्यार करता हूँ, अपने इमोशन को पत्थर में बांधूंगा और ठा करके मारूंगा उसकी कांच पे। रात में रिवॉल्वर लिए हुए दबे पांव कमरे से निकलता है, सेठ जी के घर की तरफ बढ़ता है। चले चले चारों तरफ रात का सन्नाटा है, खूनी के सर पे खून सवार है। उसने सोच लिया है कि आज वो सेठ का खात्मा करके रहेगी। वो बाउंड्री के अंदर कुत्ती है तो सेठ का वफादार नौकर उसको देख लेती है। ये कौन है? ओ भूतनाथ। ओ क्या हो रहा है यार? वो मैं किताब पढ़ रही थी, आप क्या कर रही थी? ओ कुछ नहीं यार, थोड़ी सी गैस वैस हो गई थी तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी वॉक शॉक कर ले यार। मेरे को भी गैस हो गई, मैं भी वॉक करती हूँ। तू मजाक उड़ा रहा है मेरा यार? वो मालिक को गैस हो सकती है, नौकर को नहीं हो सकती है। ओ ऐसी बात नहीं है यार। यार जिस तरह का खाना तुम लोग खाते हो तुमको तो ज्यादा गैस हो सकती है। कोई गल नहीं, ठीक है। ओ यार तू मेरे पीछे क्यों आ रहा है यार? आप आगे चल रही है सेठ जी, मैं पीछे नहीं आ रहा हूँ। यार मैं जो करूंगा तू मुझे फॉलो करेगा? हाँ करूंगा। तू करेगा? करूंगा। ओए नील गगन दत्तले धरती दप्यारी जले। ओ नीले गगन की तले दर्जी का प्यार पले। ओ तू गाना गा रहा है या गाने की माँ बहन कर रहा है? झिंग चिका झिंग चिका झिंग चिका झिंग चिका कांची रे कांची रे कांची रे कांची। हूँ मैं पत्थर पत्थर निकाला है मैंने और मैं मारूंगा। मैं भी मारूंगा। तू मारेगा? मारेगा। उठा उठा ये रही पत्थर। ये ले। कौन इडियट है? देखती हूँ अभी। यार कोई देख ना ले यार। कौन है? कौन?